विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। निर्वात उत्पन्न करने हेतु हनुमान जी मंदिर में चारों ओर वेग पूर्वक दौड़ने लगे, जिससे कि मंदिर प्रांगण में शांति छा जाए और सागर की तरंगों के कोलाहल से बाधित हुए बिना प्रभु शांति पूर्वक विश्राम कर सके। तो सागर का स्वर है। किंतु मंदिर के भीतर आते ही शांति शांति। धन्य हनुमान जी, आप धन्य। नारा प्रणाम प्रभु। प्रिय हनुमान, तुमने फिर अपनी भक्ति की शक्ति से मेरा कार्य पूर्ण किया और फिर प्रमाणित कर दिया कि तुम मेरा कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ते। प्रभु, तो क्या मैं सफल हो गया? क्या मैं निर्वात उत्पन्न कर यहाँ पर शांति स्थापित कर सका? प्रभु, संकट से हनुमान छुड़ाए जो तुमको ध्याए, मेरे कानों तक तुमने सागर तरंगों की ध्वनि को रूप दिखाया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है हनुमान, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। आज से तुम्हारे इस रूप को कनपटा हनुमान कहा जाएगा। प्रभु, भक्त को तो इसी बात का आनंद है कि वो आपकी सेवा में सफल रहा। सभी भक्त मेरे पास शांति की इच्छा से आते हैं। तुम वो भक्त हो जिसने अपने भगवान को शांति प्रदान की, इसीलिए आज से तुम मंदिर की पश्चिमी सीमा पर तुम कानपटा हनुमान के स्वरूप में स्थापित हो जाओ, पूजे जाओ। पूर्व में सिंह द्वार पर हनुमान जी संकट मोचन हनुमान जी के रूप में पूजे जाते हैं। उत्तर में जहां वो पद्मासन की मुद्रा में अपने चारों हाथों में चक्र धारण कर स्थित है, वहां उनकी पूजा अष्टभुज हनुमान के रूप में की जाती है। दक्षिण में 7 फुटा प्रतिमा के रूप में स्थापित है, यहां उनकी मान्यता बड़ा भाई हनुमान के रूप में है। और पश्चिम में हनुमान जी कानपाटा हनुमान के रूप में भक्तों को दर्शन सुख देते हैं। अर्थात जगन्नाथ जी पूरी धाम के चारों मुख्य द्वारों पर हनुमान जी किसी ना किसी रूप में उपस्थित है माता। हाँ पुत्र, और कानपाटा मंदिर की स्थापना के बाद जगन्नाथ पुरी का अलौकिक धाम पूर्ण रूप से लौकिक हो गया। मैं समझा नहीं माता, लौकिक मंदिर की स्थापना के बाद अलौकिक धाम नहीं रहा? नहीं भैया, अलौकिक धाम तो सदा था और सदा रहेगा। ये तो लौकिक धाम है जो प्रत्येक कल्प के प्रत्येक कलयुग में स्थापित है। काल चक्र के अनुसार एक कल्प के बाद दूसरा कल्प आता है और हर कल्प में चारों युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग।
और फिर प्रत्येक कलयुग के बाद कल्प बदलता है और एक नया सतयुग आरंभ होता है। किंतु माता, प्रभु का ये लौकिक धाम इसी अवस्था में प्रत्येक कल्प और युग में क्यों नहीं रह सकता? ये तो तुम तब समझोगे जब मैं तुम्हें बताऊंगी कि जगन्नाथ जी पुरी के लौकिक धाम में परिवर्तित होने के बाद जब प्रथम कलयुग का अंत हुआ और दूसरे सतयुग का आरंभ हुआ तब क्या हुआ। यमलोक खाली हो गया, यमदूत कार्य रहित हो गए और यमराज के पास भी कोई कार्य ना रहा और चित्रगुप्त जी अपने लेखा जोखा वाले पत्रों पर धूल पड़ते देखते रहे। किंतु ऐसा कैसे हुआ? यमलोक का खाली होना ऐसा असंभव अद्भुत सत्य कैसे प्रस्तुत हुआ, और वो भी प्रभु के जगन्नाथ जी पूरी मंदिर की स्थापना के कारण? ये असंभव संभव कैसे हुआ चित्रगुप्त जी? कर्मों का फल भुगतने का विधान कैसे बदल गया? मृत्युलोक का महत्व कम हो गया है क्या? किसी भी प्राणी की आत्मा का आगमन क्यों नहीं हो रहा है यमपुरी में? नहीं प्रभु, नहीं विधान बदला है, नहीं तो कर्म का फल। यदि कुछ बदला है तो वह है युग। सतयुग आरंभ हो चुका है, अर्थात सत्य का युग, धर्म के पालन का युग। फिर भी प्रभु, इस युग में भी कुछ अपवाद तो होता है, कुछ जीव तो भूल कर ही बैठते हैं। तो फिर उनके कर्मों के अनुसार उनकी आत्मा यहाँ क्यों नहीं आई? उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा तो यहाँ है ना? जब सभी पापों को धोने का परम उपाय मिल जाए तो पाप कहाँ रह जाते हैं? प्रभु के जगन्नाथ जी पुरी धाम में जाकर उस परम पुण्य से सभी मनुष्य अपने पापों से मुक्ति पा लेते हैं। जगन्नाथ जी पुरी? हाँ प्रभु, और ये तो सतयुग है, यहाँ विकार नहीं, सदाचार सर्वोपरि है। प्रभु के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा ही सर्वोपरि है। इसलिए मनुष्य एक बार भी जगन्नाथ जी पुरी मंदिर में पहुंच जाता है तो उनके सभी पाप उस पावन पुण्य धारा के प्रभाव से मिट जाते और उन्हें मोक्ष के साथ वैकुंठ धाम में निवास का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। जगन्नाथ जी पुरी, किंतु आप किस विचार में पड़ गए धर्मराज जी? जो प्राणियों को सभी पापों से मुक्त कर दे, क्या इतना अद्भुत है प्रभु का वो पावन धाम? प्रभु श्री हरि नारायण के चार मुख्य धामों में से एक है पुरी धाम। वहां की तीर्थ यात्रा करने पर प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो भी भक्त उनकी सच्ची भक्ति और सच्ची श्रद्धा से दर्शन करते हैं, प्रभु उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो मैं भी वहां जाऊंगा अपनी एक मनोकामना लेकर। मेरा कार्य करना संभव हो, सृष्टि के प्रति जो दायित्व उन्होंने मुझे सौंपा है उसका निर्वहन करने में मैं सफल हो जाऊं। इसलिए प्रभु से बस इतना मांगूंगा कि पूरी धाम को वो पुनः अलौकिक कर दें और मैं वहां धर्मराज बनकर नहीं एक सच्चा भक्त बनकर जाऊंगा, तभी मेरी ये यात्रा तीर्थ यात्रा कहलाएगी। जय श्री जगन्नाथ प्रभु, जय श्री जगन्नाथ प्रभु, जय श्री जगन्नाथ प्रभु। नारायण नारायण, धर्मराज इस साधारण भक्त के भेष में कहाँ जा रहे हैं? अच्छा तो धर्मराज यमदेव भी मेरी भांति भक्ति भाव से श्री जगन्नाथ जी की यात्रा पर निकले कि प्रभु उनकी आस अवश्य पूरी करेंगे और धर्मराज फिर से अपने कर्तव्य पूरे कर सकेंगे। हाँ पुत्र, किंतु इस यात्रा में वो अकेले नहीं थे, उनके पीछे पीछे कोई और भी चल दिए थे।
नारायण नारायण। ब्रह्मदेव के पुत्र चित्रगुप्त जी को देवर्षि नारद का प्रणाम। प्रणाम देवर्षि। चित्रगुप्त जी, कहीं मुझसे कुछ भूल हो रही है या वास्तव में मैंने धर्मराज को ही साधारण भेष में कहीं जाते हुए देखा? देवर्षि, आपने जिन्हें देखा वो धर्मराज ही थे। तीर्थयात्रा पर निकले हैं वो। तीर्थयात्रा पे? कोई विशेष प्रलोभन? अर्थात कहाँ जा रहे हैं और क्यों? प्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पूरी धाम की यात्रा पर है वो। जगन्नाथ जी की यात्रा, जिससे प्रभु का लौकिक धाम अलौकिक बन जाए। देवर्षि, लेकिन आप किस चिंता में डूब गए? नारायण नारायण। कहीं देवर्षि को यमदेव का प्रयोजन बताकर मैंने कोई भूल तो नहीं कर दी? जय श्री जगन्नाथ प्रभु, जय श्री जगन्नाथ प्रभु, जय श्री जगन्नाथ प्रभु। महाराज की यात्रा यदि सफल हुई तो पूरी का लौकिक धाम लुप्त हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। नहीं, कदापि नहीं। मैं भी तीर्थ यात्रा पे जाऊंगा। मेरी मनोकामना धर्मराज की मनोकामना से विपरीत होगी। जय श्री जगन्नाथ प्रभु, जय श्री जगन्नाथ प्रभु, जय जगन्नाथ। भक्ति में हो, भक्ति में खोकर प्रभु धाम की तीर्थ यात्रा से बड़ा आनंद कोई नहीं। जय जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ प्रभु, जय श्री जगन्नाथ प्रभु। अर्थात दोनों ही तीर्थ पर थे और दोनों के प्रयोजन में विरोधाभास था। यमदेव पूरी धाम को लुप्त करवाना चाहते थे और देवऋषि प्रभु के धाम को लौकिक रखना चाहते थे, और दोनों की मनोकामना के कारण अपने अपने स्थान पर उचित थे, किंतु तीर्थ यात्रा करते समय वो अन्य सभी कुछ भूल गए। इस समय उनके मन में यदि कुछ था तो वो थी एकमात्र भक्ति। जय जगन्नाथ जी पुरी। प्रणाम प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। प्रणाम प्रभु, भक्त जितनी बार भी आपके दर्शन पाए उसे अनंत सौभाग्य का अनुभव होता है। मेरा नमन स्वीकार करें। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय। देवर्षि, यमदेव, मैं आप दोनों की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आप दोनों को मन चाहा वरदान देना चाहता हूँ। यदि यमराज ने मुझसे पहले वरदान प्राप्त कर लिया तो मेरे यहाँ आने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। प्रभु, आपके धाम की महिमा परम्पार है, भवसागर से तारने वाली, भक्तों का कल्याण करने वाली। बस प्रभु, आपकी और आपके धाम की महिमा यूं ही बनी रहे, सदा ऐसा ही रहे, इसमें कोई परिवर्तन ना है, बस इतना वरदान दे दीजिए प्रभु। प्रभु, देवर्षि नारद ने सत्य कहा, पुरी की महिमा अनूठी है, किंतु प्रभु तनिक विचार कीजिए, आपके द्वारा निर्धारित सृष्टि में आवागमन का नियम असंतुलित हो रहा है, और इस नियम को संतुलित रखना अति आवश्यक है प्रभु। यदि सभी प्राणी यहां आकर पाप मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष पालेंगे, तो सृष्टि में जीवन मरण और पुनर्जन्म के साथ जीवन का चक्र ही मिट जाएगा, एवं शीघ्र संसार जीवन से और जीवों से रिक्त हो जाएगा। इसलिए प्रभु, आप मुझे वरदान स्वरूप
अपने जगन्नाथपुरी धाम को पृथ्वी से लुप्त करने की कृपा कीजिए, जिससे आपका ये भक्त अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में सक्षम हो सके और पृथ्वी पर जन्म मृत्यु का चक्र यथावत रह सके। धर्मराज, ये कैसा धर्म है आप? आपका कर्तव्य पालन करने में संसार का कल्याण बाधित हो, भक्तों से प्रभु कृपा हट जाए और वो मोक्ष के मार्ग से वंचित हो जाए? नहीं नहीं नहीं, प्रभु का धाम लुप्त नहीं होगा और जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से यहाँ आएगा वो उसका सुफल भी पाएगा। तो प्रभु, मैं भी सच्ची भक्ति और श्रद्धा का फल चाहता हूँ, मुझे वो प्रदान करें। आशीर्वाद दीजिए मुझे प्रभु कि मैं अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकूं। यमदेव उचित कह रहे हैं देवर्षि, भक्ति का फल तो उन्हें भी मिलना चाहिए। किंतु प्रभु, फिर मेरी भक्ति का फल? देवर्षि, धर्म की स्थापना मेरी लीला का आधार है। तनिक विचार कीजिए, यदि सभी जीव अपनी इच्छा अनुसार कार्य करें और फिर मेरे जगन्नाथ जी पूरी धाम आकर मोक्ष प्राप्त कर लें, तो फिर संसार में सुकर्म करने का कोई कारण ही नहीं रहेगा। संसार से धर्म कर्म मिट जाएगा, फिर सतयुग भी सतयुग नहीं रहेगा। आप मेरे भक्त हैं, इसलिए आप भी इस सत्य को समझिए। मैं यमदेव से सहमत हूँ, इसीलिए जगन्नाथ पूरी धाम को लुप्त कर दूं। नहीं नहीं प्रभु, प्रभु आप ही ने कहा था कि आप मेरी भक्ति से प्रभावित है, तो फिर मेरे आशीर्वचन का, मेरे वरदान का क्या प्रभु? और आपके सभी सच्चे भक्तों को उनकी भक्ति का फल भी तो मिलता है ना प्रभु, तो फिर मुझे भी मेरी भक्ति का फल दीजिए। मैं तो अनेकों बार आपके धाम की यात्रा कर चुका हूँ प्रभु, कभी आपसे कुछ नहीं मांग, आज प्रथम बार मांग रहा हूं प्रभु, मुझे निराश मत कीजिए। आपके दोनों अनन्य भक्त आपसे अपने वचन को पूर्ण करने की अपेक्षा कर रहे हैं प्रभु, किंतु आप इनमें से किनको दिया वचन निभाएंगे? प्रभु, यदि आपको दुविधा है तो इसका समाधान तो अधिक सरल है, आपको वरदान मुझे ही देना चाहिए, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ उसमें तो समस्त संसार का कल्याण है। भक्ति भरे हृदय से ही मैं भी वरदान मांग रहा हूँ प्रभु, और मैं वो चाहता हूँ जो उचित है। दोनों ही भक्तों ने सच्चे मन से मेरी भक्ति की है, सच्ची श्रद्धा से मेरे तीर्थ की यात्रा की है, और दोनों की ही मनोकामनाएं उचित है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मैं दोनों की ही इच्छाएं पूर्ण करने को बाध्य हूं। किंतु प्रभु, ये कैसे संभव है प्रभु? यमदेव की इच्छा अनुसार मैं जगन्नाथ जी पूरी धाम को लुप्त करूंगा, किंतु अलौकिक रूप में मेरा ये धाम सदा स्थापित रहेगा, जहां जाकर मैं महाभोग ग्रहण करूंगा। देवर्षि, आपकी इच्छा के अनुसार पूरी धाम अपने लौकिक रूप में भी प्रकट होगा, किंतु ऐसा कलयुग में होगा। प्रत्येक बार द्वापर युग में आपको जगन्नाथपुरी की प्रतिमाओं का आभास मेरे श्री कृष्ण अवतार सुभद्रा जी, बलभद्र जी के माध्यम से ही होगा। प्रत्येक बार प्रतिमा स्थापना में आप ही महाराज इंद्रद्युम्न की सहायता करें, और इसी प्रकार प्रत्येक कल्प के कलयुग में पूरी धाम पुनः लौकिक होगा। अद्भुत प्रभु, सर्वथा अद्भुत है आपकी लीला। हम दोनों की मनोकामना विपरीत होते हुए भी हम दोनों की मनोकामना का हल निकाला आपने।
और उस दिन से देवर्षि नारद को दिए वचन के अनुसार प्रत्येक कल्प के कलयुग में जगन्नाथ जी पुरी धाम अलौकिक से लौकिक बनता है, जिससे जब भक्तों को भक्ति की प्रेरणा की सर्वाधिक आवश्यकता हो तो वो प्रभु दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सके और उनका आशीर्वाद ले सके। प्रभु जगन्नाथ की जय। 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 किंतु ये क्या है माता, वो लकड़ी के कुंडे क्यों है वहाँ? जगन्नाथ जी मंदिर की एक और महान प्रथा का भाग है ये। प्रभु की रथ यात्रा इसी प्रकार आरंभ हुई थी। प्रभु जगन्नाथ की जय। प्रभु जगन्नाथ की जय। और ये तीनों लकड़ी के कुंदे बलभद्र जी, सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी के रथ के लिए हैं। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को प्रतिवर्ष इस मंदिर में भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मेरी रथ यात्रा निकलेगी और ये यात्रा आपके निवास धाम तक जाएगी। आपके भवन को गुंडीचा धाम कहा जाएगा। गुंडीचा धाम कहा जाएगा। हाँ हाँ, आपके पहले जो ग्वाले जी यहाँ आए थे उन्होंने मुझे रथ यात्रा के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि रथ यात्रा प्रभु द्वारा महारानी गुंडीचा को दिए गए वरदान का परिणाम है। आप दोनों ऐसे मुस्कुरा रही है जैसे रथ यात्रा के बारे में कुछ ऐसा है जो मुझे ज्ञात नहीं है। उचित कहा तुमने, रथ यात्रा की कथा केवल महारानी गुंडीचा को प्रभु के वरदान तक ही सीमित नहीं है। आप स्वयं ही सोचिए, प्रभु ने उन्हें ये वरदान क्यों दिया होगा? संभव है कोई और कारण हो जो केवल उन्हें ज्ञात हो, या ये उनकी किसी लीला का कोई भाग हो, या फिर पहले कुछ ऐसा हुआ हो जिसके कारण प्रभु उन्हें वरदान देने के लिए बाध्य हो। हाँ, रथ यात्रा का वास्तविक कारण तो महारानी गुंडीचा को वरदान देने के बहुत पहले ही उत्पन्न हो चुका था। क्या था वो कारण, मुझे बताने की कृपा करें। उचित है पुत्र, हम तुम्हारी जिज्ञासा अवश्य शांत करेंगे, किंतु अब ये वो अंतिम कथा है जो हम तुम्हें सुनाने जा रही हैं। उचित है माता, किंतु अब मुझे प्रतीक्षा मत करवाइए, मुझे रथ यात्रा की कथा सुनाइए। उसकी नींव कहाँ रखी गई थी? वृंदावन में पुत्र, और उसमें मुख्य योगदान स्वयं राधा रानी का ही था। श्री राधा रानी? देवी राधा रानी को कृष्ण के वृंदावन नगरी आने में संकोच? क्या हुआ, रुक क्यों गई आप? वृंदावन में प्रवेश करते ही सभी स्मृतियां स्मरण हो आएंगी। न कोई अपना बचपन भूल सकता है और न बचपन के संगी। सभी को ऐसा लग रहा है जैसे किसी में कोई उत्साह ही नहीं है। वृंदावन इतना शांत और नीरस, इतना ऊर्जा विहीन तो कभी नहीं था। इतना भी नहीं समझती, कृष्ण के बिना ऊर्जा कहाँ? सत्य है, श्री कृष्ण के प्रस्थान करने के बाद तो हमारा जीवन भी कितना बदल गया है। प्रस्थान किया है श्री कृष्ण ने? नहीं सखी, वो तो यहाँ से कभी गए ही नहीं। वो तो सदा हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं, हमारे मन में। वो तो सदा हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं, हमारे मन में। राधे राधे। दाव हूँ मैं कान्हा का, भली भांति पहचानता हूं अपने अनुज कृष्ण कन्हैया को। उसके मन का ये भाव संसार के लिए रहस्यमयी होगा, किंतु मेरे लिए नहीं। राधे से दूर होने पर
वृंदावन में भी उसके मन में यही भाव आता था। प्रणाम राधा रानी, वर्साना से वृंदावन आने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद देवी। कदाचित अब यहाँ पर सभी के मुख पर उनकी मुस्कुराहट लौट आए। किंतु आप सभी वृंदावन वासी दुखी क्यों हैं? कान्हा कृष्ण वन हमें पीछे छोड़कर अपने बड़े कर्तव्य निभाने यहाँ से चले गए, तो वृंदावन में फिर आनंद ही कहाँ रहा? प्रणाम राधा रानी, दुख इस बात का है जब भगवान हमारे बीच थे तब हमने या तो केवल उनकी लीलाओं का आनंद लिया या उनकी क्रीड़ाओं की शिकायत की, पर उनकी क्रीड़ाओं में जीवन का गूढ़ अर्थ और रहस्य छिपा है ये हम अज्ञानी समझ ना सके, और ना उनकी सेवा की ना ही पूजा। अब हम सब वृंदावन वासियों की बस एक ही इच्छा है, एक बार प्रभु के दर्शन प्राप्त कर उनकी सेवा करने का अवसर मिल जाए। दर्शन हो या उनकी सेवा का अवसर, ये तो प्रभु श्री कृष्ण की इच्छा से प्राप्त होता है, और भगवान अपने भक्तों की इच्छा नहीं ठुकराते, इसीलिए वो आप सभी की मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। वृंदावन वासियों को देवी राधा द्वारा दिया गया यही वचन था जिसके कारण भविष्य में जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा का नींव पड़ा। भगवान के प्रति भक्ति और सच्चे प्रेम की भावना हो तो वह अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते।